ऑनलाइन तैयारी में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं 10 जनवरी के 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज लॉन्च्ड इलिसा किट्स। द इलिसा किट विल बी यूज्ड टू कॉम्बैट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डिसीज। तो यहां पर बात हो रही है कि हाल ही में जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इलिसा किट को लॉन्च किया है, ठीक है, तो ये जो किट है आपको बताना है कि ये किस पशु रोग से निपटने के लिए जो है ये सहायक होगा, यानी कि इस निम्न में से किस पशु रोग से निपटने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, हम आपको सीधे आंसर बताते हैं और फिर ये भी बताएंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 2, यानी कि यहाँ पे जो आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, ग्लैंडर्स और बी जो संक्रामक अनीमिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये चर्चा में कैसे आया। तो द यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह रिलीज्ड द रिकॉम्बिनेट इलिसा किट्स ऑन 9 जैन, वन फॉर ग्लैंडर्स एंड अदर फॉर इक्विन इन्फेक्शंस एनेमिया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, ठीक है, तो इनका नाम है राधा मोहन सिंह, ठीक है, तो इन्होंने 9 जनवरी को क्या किया कि इलिसा किट्स को जारी किया, ठीक है। तो ये किट्स जो है किसके लिए जारी किया गया है, पहला जो है ग्लैंडर्स रोग के लिए और जो दूसरा है तो घोड़ों में जो खून की कमी हो जाती है उसको दूर करने के लिए, ठीक है। तो बोथ द डिजीज आर नोटिफाइबल इन इंडिया, तो दोनों ही ये जो रोग हैं ये अधिसूचनीय रोग हैं भारत में, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर बात हो रही थी इलिसा किट्स की, तो इलिसा का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर आपको बताया गया है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया इलिसा किट्स जिसकी बात हो रही थी, इसका फुल फॉर्म। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट सर्किट प्रोजेक्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट स्वदेश दर्शन स्कीम वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आपको बताना है कि ये जो आपको स्टेट्स दिए गए हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है स्वदेश दर्शन योजना के तहत एक परियोजना है जिसका नाम है ये आपका उत्तर पूर्व सर्किट परियोजना, ठीक है। तो ये जो आपका परियोजना है ये किसके तहत आता है, ये आता है आपका स्वदेश दर्शन योजना के तहत आता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ये शुरू किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो हम आपको बता दें, वो है ऑप्शन बी, यानी कि मेघालय में, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये जो ये रहा वो चित्र जिसमें जो है ये उद्घाटन टाइम का जो है ये आपको फोटो में दिखाया गया है। तो वाई इट इज़ इन न्यूज़, मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉन्रेड के संगमा, ठीक है, ये वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है। तो संगमा इनॉग्रेटेड दिस प्रोजेक्ट, अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट विल प्रोवाइड बेटर एक्सपीरियंस एंड फैसिलिटी। तो इस स्कीम के तहत जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो बेटर एक्सपीरियंस एंड फैसिलिटी, यानी कि वो जो है जो पर्यटकों को बेहतर अनुभव और सुविधाएं जो है सरकार उपलब्ध कराएगी, ठीक है। तो यही था इसका मेन मोटिव। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो है महाराज का तीसरा क्वेश्चन। वेब वॉन्डर व्यूमन, ये एक कैंपेन है। तो वेब वॉन्डर व्यूमन कैंपेन इन इंडिया वॉज लॉन्च रिसेंटली बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंटिटी, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये जो आपको इकाइयों के बारे में बताया जा रहा है, तो इन चारों में मतलब किस इकाई ने जो है ये वेब वॉन्डर व्यूमन नाम का जो है इस अभियान को जो है वो चलाया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, हम आपको सीधे आंसर बताते हैं। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय। अब देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च द ऑनलाइन कैंपेन वेब वॉन्डर वुमेन, ये हो गया आपका इंट्रो। एंड द पर्पज ऑफ दिस कैंपेन इज टू सर्च फॉर वुमेन एंड रिकग्नाइज देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो इसका पर्पज था, वेब वॉन्डर वुमेन की बात हो रही है यहाँ पे, इसका जो पर्पज था वो था कैंपेन, ये इसलिए चलाया गया ताकि सर्च फॉर वुमेन यानी ऐसे महिलाओं को उनको उन्हें पहचानना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट जिन्होंने हासिल किया है, ठीक है, विच आर रनिंग अ मीनिंगफुल एजेंडा ऑफ सोशल चेंज थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है उन महिलाओं को खोजना, उन्हें पहचानना जो असाधारण उपलब्धियों को जो है जिन लोगों ने प्राप्त किया है, ठीक है, ऐसे लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का सार्थक एजेंडा चला रही हैं। तो ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए ही वेब वॉन्डर वुमन का जो है ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया है। किसने चलाया है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। फिलहाल बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, इंडिया विल बी वर्ल्ड्स
लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बाई 2030। तो ये एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का लोगो है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो है कौन सी संख्या आएगी, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होगा। तो कौन सा, मतलब पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि तीसरा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि फिर पहले और दूसरे पे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसको बता रहा है और इसका काम क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडियाज कंज्यूमर मार्केट विल बी द थर्ड प्लेस। यहाँ पे ये हो गया आपका आंसर, आफ्टर द यूएस एंड चाइना, ठीक है। यानी कि क्लियर हो गया कि यूएस को ये पहले नंबर पे बता रहा है और चाइना को दूसरे नंबर पे बता रहा है, तीसरे नंबर पे इंडिया, ठीक है। बाय द ईयर 2030 यानी 2030 तक की बात हो रही है। अब देखते हैं कि ये है क्या चीज़। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यानी ये जो विश्व आर्थिक फोरम जिसको हम कहते हैं, तो ये जो है एक नॉन प्रॉफिट संस्था है बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे, जिनेवा में इसका जो है मुख्यालय है, ठीक है। एंड इट्स टास्क इज टू ब्रिंग टूगेदर लीडिंग पीपल इन द बिजनेस, पॉलिटिक्स, एकेडमिक एंड अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड टू डिसाइड द ग्लोबल रिलीजन एंड इंडस्ट्रियल डायरेक्शन। तो ये जो है इसका कार्य बताया जा रहा है कि विश्व के जो व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में जो अग्रणी लोग हैं, यानी जो एडवांस लोग हैं, ठीक है, जो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो उन्हें एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना, यानी उनके अनुभवों के द्वारा जो है क्षेत्रीय और औद्योगिक वैश्विक लेवल पर जो है आगे की प्लानिंग करना, ठीक है। ये हो गया काम किसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसका हेडक्वार्टर बताया हमने आपको जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज हेडिंग द आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट हाई लेवल कमेटी टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे बात हो रही है बूस्ट डिजिटल पेमेंट की, यानी डिजिटल पेमेंट जो इस समय चल रहा है, जो भी आपका ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया चल रही है, उसमें और तेजी लाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, तो उसको जो है वो कौन सी पर्सनालिटी है इनमें से जो उसको जो है उसका नेतृत्व करेगी, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है आरबीआई द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति है, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा है और ये समिति क्यों बनाई गई है, डिजिटल भुगतान को जो है बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, यानी उसे और मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए। तो ऑप्शन आपके सामने है, उम्मीद है आप लोग हमें आंसर कर रहे होंगे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि नंदन नीलकणी, ठीक है, ये इनका नाम है नंदन नीलकणी। तो अब देखते हैं कि ये चर्चा में कैसे आया। तो ये जो नंदन नीलकणी है, ये इनको यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है, इज वन ऑफ द को चेयरमैन एंड फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इन्फोसिक्स। तो इनके बारे में बताया दिया गया है कि इनको किस जो है समिति का इनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है, जिसका ये नेतृत्व करेंगे। तो यहाँ पे इनके बारे में बताया जा रहा है, अबाउट नंदन नीलकणी इज वन ऑफ द को चेयरमैन, ठीक है, यानी ये सह अध्यक्ष हैं और फाउंडिंग मेंबर हैं किसके, इन्फोसिक्स कंपनी के, ठीक है। तो ये इन्फोसिक्स कंपनी जो है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये एक मल्टीनेशनल इंफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी है, ठीक है, लोकेटेड इन बेंगलुरु इंडिया, ठीक है। तो ये एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी है जो बेंगलुरु में है, भारत में है, ठीक है। और दिस इज़ वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट आईटी कंपनी और इंडिया के सबसे बड़े आईटी कंपनियों में से ये एक है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेम द इंडियन हॉकी मेंस टीम कोच हु वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन 9 जनवरी 2019। तो आपको बताना है कि उस इंडियन हॉकी मेंस टीम कोच का नाम क्या है, हु वाज रिमूव्ड, यानी जिन्हें हाल ही में जो है, यानी 9 जनवरी 2019 को उन्हीं के पोस्ट से, उनके पद से जो है हटा दिया गया है। तो इन्होंने छोड़ा नहीं है इन्हें, बल्कि हटाया गया है। ये 9 जनवरी 2019 को इनके पद से हटाया गया है। यहाँ पे भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कोच की बात हो रही है। तो ऑप्शन आपके सामने है और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह इसका सही जवाब है, ठीक है। अब देखते हैं कि उन्हें जो है क्यों हटाया गया है। तो हॉकी इंडिया हैज़ रिमूव्ड द मेंस टीम कोच हरेंद्र सिंह। हॉकी इंडिया ने ही रिमूव किया है मेंस टीम कोच, यानी ये जो सीनियर लेवल की पुरुष टीम की बात हो रही है, पुरुष टीम की बात हो रही है, इनके कोच थे हरेंद्र सिंह, इनको हटाया गया है फ्रॉम द पोस्ट, ठीक है। एंड वंस अगेन ही हैज़ बीन सेंट टू कोऑर्डिनेटर जूनियर टीम, और दोबारा जो है उन्हें भेज दिया गया है कोऑर्डिनेटर जूनियर टीम, यानी जो जूनियर लेवल की जो टीम है उसे कोचिंग देने के लिए या उसे प्रशिक्षण करने के लिए, ठीक है। तो इन्हें सीनियर से जूनियर टीम की ओर इन्हें भेज दिया गया है वहाँ पर प्रशिक्षण देने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि रीज़न क्या था,
तो यहाँ पर रीज़न ये बताया जा रहा है कि ये हॉकी इंडिया का कहना है, ठीक है, हॉकी इंडिया का यहाँ पर कहना है कि इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन हॉकी वर्ल्ड कप 2018 वॉज लेस देन एक्सपेक्टेड, यानी जो एक्सपेक्टेड किया गया था, जो अपेक्षा की गई थी उसके अनुसार जो है इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी लो रही, यानी काफ़ी कम रही, ठीक है। तो हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया की यहाँ पे जो है बात उठाई गई है, हालांकि पूरे 2018 सीजन की बात हो रही थी क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल भी हुए थे, इसके अलावा इंडोनेशिया में भी जो खेल हुए थे जकार्ता में, तो हर जगह की बात हो रही है कि ओवरऑल जो 2018 की इंडिया की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी लो रही। और आखिरी में जो ये वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, तो ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था आपका, ये हुआ था आपका उड़ीसा में हुआ था इसका वर्ल्ड कप, ठीक है, तो भारत में ही, यानी उड़ीसा भारत में जो है ये वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, उसमें भी जो है इसका प्रदर्शन काफ़ी ख़राब रहा। अब एक बार की हाईलाइट देख लेते हैं कि 28 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, यहाँ पर फैक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें जो विजेता रहा बेल्जियम, ठीक है, रनर अप रहा नीदरलैंड, तीसरे नंबर पर रहा ऑस्ट्रेलिया, जबकि इंडिया जो कि होस्टिंग कंट्री है, ठीक है, ये होस्टिंग कंट्री थी, तो ये रहा आपका छठे नंबर पर, ठीक है। तो इंडिया आपका जो होस्ट कर रहा था इस बार इंडिया में उड़ीसा में, अब की ये जो है विश्व कप का आयोजन किया गया, तो इंडिया छठे नंबर पर रहा। तो इसी लिहाज से, क्योंकि इंडिया मौजूदा उसकी जो इससे जो एक्सपेक्ट किया गया था वो ये था कि मतलब ये अगर हॉकी या तो ये वर्ल्ड कप को जीतेगी या फिर ये रनर अप में कहीं ना कहीं आएगी, लेकिन छठे नंबर पर रहने पर जो है हॉकी इंडिया को इस बारे में सोचना पड़ा कि कोच को हटाया जाए। तो फिलहाल अभी नए कोच की नियुक्ति नहीं हुई है, और नए कोच की जब नियुक्ति होगी तो वो भी हम आपको बता देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अभी के लिए अगली खबर की ओर। सो विच अमंग द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री इज होस्टिंग द 2019 अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस, ठीक है, तो ये पूरा नाम है अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस 2019, ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा वो अफ्रीकी देश है जो कि अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2019 की जो है वो मेजबानी करेगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको पता है तो आप हमें आंसर ज़रूर करिएगा, करते रहिएगा, और इसका जो सही जवाब है हम केवल आपको सीधे वो बता रहे हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है। तो मिस्र यानी कि इजिप्ट ही जो कि इसका ऑफिशियल वर्ड चलता है, तो जिसको हिंदी में मिस्र भी जो है जाना जाता है, तो इजिप्ट जो है, ये बात हो रही है 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की जो है ये मेजबानी इसने पाई है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि चर्चा में कैसे आया, तो इजिप्ट जो है विल होस्ट द 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, ठीक है, द कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल हैज अनाउंस्ड, तो ये किसने घोषणा की है, कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल यानी CAF जिसको शॉर्ट में कहते हैं, इसी ने ये घोषणा की है कि जो है अब इजिप्ट होस्ट करेगा 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की। एंड हाँ, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, द अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस इज ऑल्सो कॉल्ड अफ्रीका कप, कि इसको जो है केवल अफ्रीका कप के भी नाम से जो है इसको जाना जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अफ्रीका कप अलग है और अफ्रीकन फुटबॉल और ये जो आपको बताया गया है अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस ये अलग है, नहीं, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको हिंदी में बताई गई है कि अब जो है इजिप्ट यानी कि मिस्र जो है अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का जो है संस्करण इस बार इसकी मेजबानी संभालेगा, ठीक है। तो हम लोग सीधे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड चेंजिंग ऑफ इट्स एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट टू एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, यहाँ पे बात हो रही है कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को चेंज किया गया है एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो आपको बताना है कि ये निम्न में से किस राज्य ने किया है, ठीक है। तो सही जो इसका जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली ने जो है ये काम किया है कि उसने अपने पशुपालन विभाग को जो है पशु स्वास्थ्य और कल्याण विभाग में बदलने की घोषणा कर दी है, ठीक है। अब देख लेते हैं व्हाई इट इज़ इन न्यूज़। द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ये आपका आंसर था, दिल्ली हैज़ अनवील्ड द एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर पॉलिसी 2018 विच इंक्लूड्स अ हॉस्पिटल फॉर काउस। सो दिल्ली सरकार ने जो है पशु स्वास्थ्य और कल्याण नीति 2018 का अनावरण किया, जिसमें जो है गायों के लिए एक अस्पताल भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ड्राफ्ट द नेम ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली विल बी चेंज्ड टू एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस ड्राफ्ट के अनुसार यानी ये जो मसौदा है, ठीक है, ड्राफ्ट को मसौदा भी कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, तो मसौदे के अनुसार जो है पशुपालन जो विभाग है दिल्ली का, इसका जो है नाम बदल कर कर दिया जाएगा पशु स्वास्थ्य और कल्याण विभाग, ठीक है, ये अभी घोषणा हुई है। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्पिनर हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन रणजी ट्रॉफी, तो ये समय काफी चर्चा में है
और आपको बताना है कि रणजी ट्रॉफी में जो है एक सीजन में यानी एक सत्र में सबसे अधिक विकेट लेने का जो कारनामा है वो किसने कर दिखाया है। तो उम्मीद है आप लोग हमें आंसर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर बात रणजी क्रिकेट की हो रही है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि आशुतोष अमन। आशुतोष अमन इनका नाम है। अब जान लेते हैं इनके बारे में कि ये किस राज्य के लिए खेलते हैं और क्या इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर आशुतोष अमन ऑफ बिहार क्रिकेट टीम, ठीक है। तो पहली बात, ये बाएं हाथ के स्पिनर हैं, इनका नाम है आशुतोष अमन, ये बिहार क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। हु ब्रोक द प्रीवियस रिकॉर्ड, जिन्होंने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया 64 विकेट का, बाय बिशन सिंह बेदी का। तो ये जैसा कि फोटो में जो है आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि ये जो है हो गए आशुतोष अमन और ये जो है आपके बिशन सिंह बेदी, ठीक है, जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग रिकॉर्ड की। तो बिहार के जो आशुतोष अमन है, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, बिशन सिंह बेदी का, ठीक है, 64 विकेट का रिकॉर्ड था। तो अब क्योंकि 64 विकेट का ये जो रिकॉर्ड है इसको तोड़ा है, तो नया रिकॉर्ड क्या बना है, 65 विकेट का। इन्होंने रणजी क्रिकेट के एक सत्र की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि ओनली अ वन सीजन, ठीक है। तो एक सीजन में इन्होंने जो है 65 विकेट लिए हैं, ठीक है, और 65 विकेट लेके इन्होंने बिशन सिंह बेदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। एंड ही मेड द रिकॉर्ड ऑफ टेकिंग द मोस्ट विकेट्स इन द सीजन ऑफ रणजी ट्रॉफी, ठीक है। तो अब एक और बात की यहाँ पे जो एक बात छूट रही है कि ये कितने साल पुराना रिकॉर्ड था, तो ये भी काफ़ी चर्चा में है कि ये जो है 44 साल पुराना रिकॉर्ड था आपका, ठीक है। इस रिकॉर्ड को तोड़ा है किसने, आशुतोष अमन ने। फिलहाल बढ़ते हम लोग आज के 10वें क्वेश्चन की ओर, जो है आज का आखिरी क्वेश्चन। रिसेंटली अ बुक वी आर डिस्प्लेस्ड वॉच लॉन्ड, टेल द ऑथर्स नेम, आपको बताना है ऑथर का नेम जिन्होंने ये बुक लिखी है वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। इस नाम की जो पुस्तक है वो जिन्होंने लिखी है उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, हम आपको सीधे आंसर बताते हैं। ऑप्शन ए यानी मलाला यूसुफ़ज़ई, ठीक है। तो ऑप्शन ए मलाला यूसुफ़ज़ई ने वी आर डिस्प्लेस्ड नाम की जो है पुस्तक लिखी थी। अब देखते हैं कि इस पुस्तक का जो है वो पूरा नाम क्या है। तो नोबेल पीस प्राइज विनर एंड पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफ़ज़ई, ठीक है, हैज़ रिटन अ न्यू बुक एंटाइटल्ड वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और पाकिस्तानी कार्यकर्ता है मलाला यूसुफ़ज़ई, इन्होंने ही एक नई किताब लिखी है जिसका शीर्षक इन्होंने दिया है वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये थे आज यानी कि 10 जनवरी के कुछ चुनिंदा और लेटेस्ट करंट अफेयर्स। मैंने कोशिश की कि सुरेंद्र सर के बिहाव पे आपको कम से कम नए क्वेश्चंस मिलते रहें, और आपके जो सुरेंद्र सर हैं वो आपको कल ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए शुक्रिया।